नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में दिखा रहे हैं कि आज दरभंगा में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, जोरदार तरीके से शंखनाद के साथ देख सकते हैं ये सभी पंडितों के द्वारा शंखनाद किया जा रहा है। ये पुरोहित जो आए हैं, ये पुरोहित जो हैं खासकर कुशेश्वर स्थान के हैं और ये यहाँ शंख बजा रहे हैं और यहाँ शंख वादन के साथ स्वागत सम्मान किया जा रहा है। साथ ही गोपाल जी ठाकुर को आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भाजपा के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के नामांकन के बाद मेडिकल ग्राउंड में आशीर्वाद सह नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता सभा स्थल पर पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मंच भरा हुआ है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मंत्री हरीश सहनी, सांसद जो है राज्यसभा सांसद संजय झा भी पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों का भाषण सुनाएंगे और धीरे धीरे सभी लोगों तक शेयर भी करिएगा और देखिए कि आखिरकार इन सभी लोगों ने क्या क्या बोला है। बता दें कि वही सभा में सभी नेताओं ने जमकर विपक्ष पर हमला किया है और तेजस्वी यादव को निशाना साधा है। फिर से एक बार दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भारी मतों से जिताने के लिए लोगों से आह्वान किया है। वही दरभंगा से सांसद राजद के वही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वह यह चुनाव सांसद बनाने का नहीं, देश के विकास के लिए सत्ता में आने का मुकाबला है। घोटाला किया है, पीएचडी मंत्री के बिना नाम लिए ललित यादव पर हमला किया है। देख सकते हैं सम्राट चौधरी पर फूल बरसा किया जा रहा है और यह जोरदार स्वागत सम्मान जो है गोपाल जी ठाकुर ने किया है। आपको बता दें कि वही सम्राट चौधरी ने कहा कि लालटेनिया पार्टी, लालटेन युग खत्म, अब एलईडी का जमाना है। कहां पर कौरव और पांडव की लड़ाई है, कौरव की सेना अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़वाती है, तेज प्रताप पर निजी हमला किया है। पति पत्नी विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि छपड़ा की बेटी को के साथ अन्याय हुआ है लालू परिवार में। सुनिए पूरा भाषण और देखिए कि आखिरकार आज का दिन कैसा रहा। ये पूरा कवरेज 25 मिनट से ज्यादा का है, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और एक एक नेताओं का संबोधन सुनिए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आता है तो सबसे बड़ा पर्व इसे माना जाता है। साथियों, भाई गोपाल जी ठाकुर जी हमारे पांचों पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं और सबका समर्थन इनको प्राप्त है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भाई हरी सहनी जी ने विस्तार से बताने का काम किया है। कई जिला में, कई लोकसभा क्षेत्र में हम लोग को जाने का अवसर मिला है। सभी जगह एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में बिहार के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है और 40 का 40 से हम लोग जीतने का काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं मंचा सिंह अपने सभी नेता को आदर पूर्वक बताना चाहता हूं कि आज कुछ लोग अपने आप को बड़े नेता हम लोग के समाज के लोग समझने लगे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए उनको बड़ा बनाने में भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित सिंह जी का ही आशीर्वाद रहा है, जिसके बदौलत आज वो अपने आप को नेता समझते हैं। आपको याद होना चाहिए उन्होंने कहा था गंगा जल हाथ में लेकर के लोगों से कसम खिलाने का काम किया था। हम लोग को आज तक नहीं सुने हैं कि कोई जनप्रतिनिधि के अलावा, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या मुखिया हो, पंचायत के प्रमुख हो, उनके द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता है कि हम जनता का सेवा करेंगे, लेकिन जनता से आज तक शपथ ग्रहण नहीं कराया गया है। इस बिहार के अंदर में एक ऐसा नेता ने उपज लिया है जो जनता से शपथ गंगा जल लेकर के दिलवा रहा है कि हम अपना वोट नहीं बेचने का काम करेंगे। इसका मतलब आपको अपने समाज पर भरोसा नहीं है और आप अपने समाज के लोगों को वोट बेचने का आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने शपथ दिलाया था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करने का काम करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस राजद के साथ आप चले गए हैं वह पंचायत में भी आरक्षण देने का काम नहीं किया, और यह काम हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत के अंदर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20%
और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया, अस्पताल बनवाने का काम किया। लेकिन आप उस नेता के साथ चले गए जो नेता परिवारवाद से बाहर नहीं निकलना है। हम यहाँ अपने नेताओं को बताना चाहते हैं कि सिर्फ परिवारवाद की बात नहीं है, वह उससे भी आगे एक कदम बढ़ चुका है। हम याद दिलाना चाहते हैं श्री संजय झा जी को भी और यहाँ एनडीए के तमाम हम अपने नेताओं को, जब हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुआ था इसी दरभंगा के अंदर में बहादुरपुर से हम लोग विधायक रहते हुए लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने हम लोग का टिकट छीनने का काम किया था। टिकट देने के बदला में वह परिवार के आगे अपने स्टाफ को भी चुनाव लड़ाने का जो आदमी काम करता हो वैसे नेता पर कभी भी बिहार के अति पिछड़ा पिछड़ा दलित कभी भरोसा नहीं कर सकता है। और एक एक वोट हम लोग सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के 400 सीट पर देने का काम करेंगे। और अपने गोपाल जी ठाकुर को जिन्होंने हम पर भरोसा करके और हम लोग को अपने नामांकन में प्रस्तावक भी बनाने का काम किया है, हम लोग आश्वस्त करते हैं अपने नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी को, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय संजय झा जी को, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को कि आप जाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य कहिए कि हम लोग श्री गोपाल जी ठाकुर को पिछले बार से ज्यादा वोट से दरभंगा से जिताने का हम लोग प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं और 400 लोकसभा से हम लोग जिताने का काम करेंगे। कहने के लिए तो बहुत सारे बात है लेकिन मैं इतना ही बात करके फिर से एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को नेता छथिन का अहाँ के बीच में बात रखबा मोट बात दूटा पूरा देश और दुनिया का नजर अखन एहि देश के चुनाव पर छै और हम सब घूम रहल छी सौंसे काल्हि रही पूर्णिया में कटिहार में परसू और जे माहौल छै से एक तरफा चुनाव ही छै। सब लोग चाहे छै कि देश में चुनाव छै, देश में प्रधानमंत्री के बन, देश का आगू के चले और देश में और विदेश में अखन जतेक ताकतवर भारत बनकर आगू अले है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमरा नहीं लगे सामने में विपक्ष का चेहरा तक नहीं छे, वो चेहरा नहीं छे। और प्रधानमंत्री जी की कहलखिन, प्रधानमंत्री जी कहलखिन जी अभी तक जो आप देखे हैं वो ट्रेलर है, अगला फिल्म तो आना बाकी है। 24-29 जो थे अगला फिल्म अगर देखवा के इस वास्ते गोपाल ठाकुर जी का कबल छापर, वो नीतीश कुमार का सो प्रत्याशी छथिन, वो जीतन राम मांझी का प्रत्याशी छथिन, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रत्याशी छथिन और भाजपा का तो प्रत्याशी छथिन। और नीतीश कुमार जी का जे काज रहलन है बिहार में, हम एक मिनट में ये बात जरूर कह दे, हर जे काज रहलन 18 साल से बिहार का सबसे लंबा काल के मुख्यमंत्री छथिन। 18 साल मतलब एक युग भ जाए छे, युगो से बेसी भ जाए छे और 18 साल में जे मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं परिवारवाद के और नहीं मुख्यमंत्री के ऊपर कोई तरह के दाग है एहन मुख्यमंत्री देश में भेटे वाला तब मुख्यमंत्री भेटे छे। वो सारा लोग का समर्थन छे, हम सब गोपाल ठाकुर का पाछू ठाड़ छियन। ये 13 तारीख के तो चुनाव हेतु और 4 तारीख के रिजल्ट हेतु आ जहाँ टीवी पर हेतु कि दरभंगा पार्लियामेंट के रिजल्ट जहाँ देश और दुनिया देखते तो तखने ओकर मजा आते जहाँ हमारा 4 लाख पार करे वो जहाँ रिजल्ट खत्म करे। हम यह आग्रह निवेदन करें अहाँ सबसे लो हाँ कि भाई गोपाल जी ठाकुर का बहुत क्योंकि सिर्फ दरभंगा का बात नहीं है, जो डबल इंजन का सरकार रहे अखन समय कम छे, हम सब अवैत रह अखन बात बहुत हेते चुनाव के बीच में पहल बेर है मौका भेटले हाँ जो डबल इंजन के सरकार केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार बने छे आ तो नीतीश जी के सरकार रहते एक बेस बिहार के बन गए एक जम्प बिहार का और दबा और अगला 5 साल में वो जम्प भ जेते तो बिहारो देश में 10 टॉप राज्य में आते।
या आग्रह निवेदन कर दो कि 13 तारीख का कमल छाप पर बटन दबा कर भाई गोपाल ठाकुर जी का विजय बन गया आ तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हिता ऊपर से यह बात के बात समाप्त करी छी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही परिवार का राज चलना चाहिए और ये कौरव और पांडव की लड़ाई है साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा और जो कौरव की सेना है वो कहती है कि हम तो अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाएंगे। और आरक्षण का मुद्दा भी उठाते हैं, कहते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया लेकिन प्यारे बच्चे को ये पता नहीं है कि 20 जून 2022 को ही एनडीए सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया था। और जो 10 लाख नौकरी का घोषणा है ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है सर। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। कोई एक वर्ग बता दे जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ना अल्पसंख्यक हो, कोई समाज बता दे। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, ना पिछड़े को ना दलित को किसी वर्ग को किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2005 में तो पहली बार अति पिछड़ा समाज को और महिलाओं को दलितों को आरक्षण किसने दिया? एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। साथियों तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि आप चाहते हो तो एक परिवार की गुलामी से बाहर लाना है। और एक तरफ कौन है? वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद जी को आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है इनको आरक्षण दो, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट में पानी ढोता है इसको आरक्षण देके उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा ये मेरा दूसरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है और छपरा की बेटी को मारकर घर से बाहर करता है इसको मंत्री बनाने का काम करो, और फिर कहा कि एक साल भाजपा के सांसद ने जब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा अब हमारी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दो। और अब सिंगापुर से एक बेटी, टूरिस्ट बेटी आई है, तो पहले आरक्षण दिया पत्नी को, फिर दिया दो बेटा को, फिर दिया दो बेटी को। और भाजपा का कहना है कि जब इतना को दिया तो ये जो 5 बहन बैठी है घर में इसको भी आरक्षण देकर विधायक का टिकट का इंतजार कर रही है, उसको कब दोगे? तो साथियों बड़ा स्पष्ट है, लालू जी का आरक्षण का मतलब है सिर्फ अपने लिए आरक्षण। और वो बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि उनको जेल में डालने वाले के गोद में वो खेल रहे। कांग्रेस पार्टी के युवराज यदि राहुल गांधी जी इस देश की राजनीति में ना होते तो लालू प्रसाद जी आज चुनाव लड़ते होते। लालू प्रसाद जी को जेल में बंद करवाया, लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़ कर किसी लायक नहीं छोड़ा, तो उसका दोषी कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या बात सही है कि नहीं है साथियों? तो साथियों ये समझिए कि लालू जी का दुश्मन हम लोग नहीं है, दुश्मन उन्हीं के घर में बैठा है। यहाँ के प्रत्याशी पता है हमारे दलित समाज के गरीब, महादलित समाज के गरीब का नाखून उखाड़ लिए थे जिसका नाम है ललित यादव। पार्टी ही उनकी ऐसी है, अत्याचार के आधार पर खड़ी है, घोटालों के आधार पर खड़ी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, परिवार से बाहर निकल नहीं सकती है, अपने सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। कोरोना काल में मोदी वैक्सीन का कर यह संकेत देना कि वैक्सीन मत लीजिए,
चुपके चुपके खो लिए, खो अपने खुद ले लिए, इसका मतलब है कि उनको आपके जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन की भी चिंता की है। तो मोदी जी ने क्या है, चलिए विकास की गंगा बह रही है, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर जन जन शहर शहर गांव गांव सब तक पहुंच रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, गरीबों का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे गरीबों के मसीहा के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अध्यात्म पुरुष के रूप में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सच्चा सपूत बनकर जिन्होंने इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। यह तो है ही, विकास तो वही है जो कभी नहीं हुआ था वह इस 10 वर्षों में। राफेल भी अपने पास है, सेना का मनोबल भी है, आग उठाने की कोशिश करेगा तो इसको करारा जवाब देगा। मोदी जी ने 10 वर्षों में इस भारत की सैन्य शक्ति को इतना और उसके मनोबल को बढ़ा दिया है। भाइयों, सांस्कृतिक जागृति का भी समय, सनातन जागृति का समय है। देश से गरीबी मिट रही है, 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए लोग, लेकिन हम मिथिला के लिए सब कुछ हो जाता लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर न बनता तो हम समझते कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। क्या बात सही है ना, तो बोलिए श्यामल रामचंद्र की। वही दरभंगा की धरती है, पिछले बार जब नेता प्रतिपक्ष के नाते आए थे, किस समाज के साथ अत्याचार खुल के हो रहा था, कौन संरक्षक था, आज वही बिहार है, मुख्यमंत्री भी वही है, आज क्यों वो तमाशा नहीं बना, ये विचारना होगा आपको। अरे यही बिहार है जहाँ की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक ऐतिहासिक वातावरण से देश ही नहीं दुनिया अवगत है, और इस बिहार को किसने कलंकित करने का काम किया, इस बिहारी शब्द को गाली किसने बना दिया, इस बिहारी शब्द को लज्जित करने का प्रयास किसने किया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आपके फुहरपन और मजकिया लहजे के कारण बिहार के वातावरण को ही दूषित नहीं किए, हर बिहार के लोग जो हमारा नौजवान बाहर में अपने को बिहारी कहने में कहीं न कहीं शर्माते हैं, सुखसाते हैं, इसके जिम्मेवार कौन है, कौन है वह व्यक्ति जो बिहार के अंदर विकास की गति बढ़नी चाहिए थी। आजादी के समय बिहार सबसे अव्वल स्टेट था, आजादी के समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, यहाँ से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे लोग जननायक पुनी ठाकुर जैसे लोग पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, जनता उनकी बातों पर विश्वास करती थी। क्या कारण है कि आप पर लोगों को विश्वास नहीं, आपने सिर्फ जातीय जहर का लहर चलाया, लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, आज विकास की गति आपके रहते नहीं बढ़ा। आज मैं बता दूं, एक शिक्षा विभाग के अंदर ही बैठे हैं यहाँ पर माननीय संजय झा जी, कि आज जहाँ हमारे लोग दूसरे स्टेट में जाते थे टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने, आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ANM GNM आपके ITI हर तकनीकी संस्था, ये गति NDA का देन था। और नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति तो हमारे NDA के समय में ही जो शुरुआत हुई थी, आप बहुत नियुक्ति बहुत बहाली का युवाओं की चिंता का, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग सहित 5 विभाग आपके पुत्र बरबोले पिता के बरबोले पुत्र तेजस्वी यादव जी के जिम्मे था, पथ निर्माण विभाग के अंदर एक भी नियुक्ति नहीं हुआ, 2-2 बार उस विभाग के मंत्री ही नहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रभार लिए थे। है जवाब, जो अपने विभाग के अंदर नियुक्ति नहीं कर सकता वो ढोल बजा रहे हैं। NDA के समय में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, और जिस शिक्षा विभाग के अंदर नियुक्ति हुआ उसमें तो आपके माननीय मंत्री फाइल पर हस्ताक्षर करने से भाग गए, उनको तो रामायण और रामचरितमानस पर ज्ञान बखारने से फुर्सत नहीं था, सनातन के संतानों को लज्जित करने में, सनातन के संतानों के बारे में उठपटांग बयान देने में फुर्सत नहीं मिलता था।
आपने बहाली के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर जो घोटाला किया है, ये पूरा बिहार नहीं देश जानता है। आपका जो वातावरण है, आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, आपकी जो नीयत है और जो नीति आप बनाते हैं, उसमें बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। देश के माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है कि हमको विकसित बिहार बनाना है, बिहार के अंदर युवाओं के भविष्य को बनाना है और समृद्ध बिहार के लिए हर लोगों को एक नए भारत की दौड़ में सम्मिलित करना है, तो एनडीए के 40 के 40 सीट आज मोदी जी को हमको देना है। और जब 40 देंगे तो उस पर एक सुनाएगा तो इस बार फिर 400 पार कर जाएगा। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि देश विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध होगा, बिहार के लोगों के बीच जो सामाजिक ताना बाना को तोड़ा है, बिहार के सांस्कृतिक विरासत पर जिसने हमला करके लज्जित करने का प्रयास किया है, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, बिहार के युवाओं को पलायन के लिए जिसने विवश किया है, ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके और आज पांचों दल, आज माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और पारस जी, सब अच्छे लोग, ये पांडव पूरी तरह से इस महाभारत में, चुनावी महाभारत में पूरी तरह से धर्म का विजय होगा। अच्छे लोगों के, हर जात के, अच्छे समाज के हर लोग एकजुटता के साथ कदम बढ़ाएंगे। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ पर आपके एक दर्जन सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, विधायक हैं, आज एक एक कार्यकर्ता मन के अंदर संकल्प ले लें कि हम अपना बूथ से लीड कराएंगे भारी बहुमत से, और जो बूथ जीता वही नेता, जिसका बूथ पर सबसे ज्यादा विजय होता है उसी का सम्मान पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, समाज के अंदर उसी की विश्वसनीयता बढ़ती है। हम लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक सहनी। ये महाभारत में जिस तरह का लड़ाई हुआ था, ये महाभारत में सत्य और असत्य की लड़ाई हुआ था और आज भी महाभारत की लड़ाई का भारत। मेरे में जन्मे लगता रहता है कि विश्वास, दुनिया का एक अनमोल शब्द विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार को अपने परिवार के मुखिया पर और परिवार के मुखिया को अपने परिवार के सदस्य पर। ठीक उसी प्रकार देश के नेता को अपने जनता पर और जनता को अपने मुखिया पर विश्वास। आज इसी विश्वास का देन है कि देश नहीं दुनिया के लोगों को, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युवा पुरुष नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट विश्वास है। देश के लोगों को भी और देश के जनता को भी अपने इन नेताओं पर तो पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए चुनाव से पहले पूरे देश में आवाज गूंज रहा है, अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। ये विश्वास का देन है। ठीक उसी प्रकार अब जब विश्वास की बारी आती है तो मेरे समझ में आता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति केवल राजनीति समझ कर नहीं, ये राष्ट्र नीति को मानकर काम करती है। इसीलिए क्या स्लोगन, क्या शब्द निकलता है हमारे नरेंद्र मोदी के जीभा पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो वो कहते हैं वो कर कर भी दिखाते हैं। इसी का उदाहरण है कि बिहार में आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया
वो हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वो हरीश सहनी का सम्मान नहीं, वो पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मान था, मलाहो का सम्मान था। ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, जो वो कहती है वो करके दिखाती है।